चंद वीडियोस में आपने बगैर हासिल वाली चार हिंदसी अददों की तफरीक का अमल सीखा। आइए अब हम इस वीडियो में चार हिंदसी अददों की हासिल वाली तफरीक का अमल सीखेंगे। ठीक है, आइए मिसाल हल करते हैं। नौ हजार बहत्तर तफरीक 5748। देखिए बच्चों, ये जो हिसाब हमें मिसाल दी हुई है ये आड़ी तरतीब में है, इसे हमें खड़ी तरतीब में पहले लिखना होगा और फिर उसके बाद हमें इसका जवाब हासिल करना होगा। देखिए हम इसे खड़ी तरतीब में किस तरीके से लिखते हैं। देखिए बेटा, हमने ये बॉक्स बना लिया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये चार हिंदसी अदद में से क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। देखिए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ पे लिखना होगा 9072 तफरीक 5748। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये हिसाब इस तरीके से लिख दिया है खड़ी तरतीब में। अब हमें क्या करना होगा, दो इकाई में से हमें 8 इकाई तफरीक करना होगी, लेकिन 2 इकाई में से 8 इकाई तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हम दहाई के हिंदसे में से, दहाई के खाने में से एक दहाई उधार लेंगे। यानी यहाँ पे 7 दहाई में से 1 लिए, यहाँ बचा 6 दहाई, यहाँ पर हो गया 1 दहाई और 2 मिलकर कितना हो गया, 12 इकाई। अब यहाँ पर 12 इकाई में से 8 इकाई तफरीक करे, बचता है 4। अब यहाँ पर 6 दहाई में से 4 दहाई तफरीक कर दिए, बचा कितना, 2 दहाई। कितना बचा बेटा, 2 दहाई। अब यहाँ पर हम सैकड़े के खाने में आएंगे। यहाँ पर सैकड़ा के मकाम पर जो है क्या है, 0 है। 0 में से 7 तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, 1000 के खाने में से 1000 के खाने में से 1000 उधार लेने होंगे। यहाँ पर 9000 में से 1000 उधार लिए, यहाँ बचता है 8000। अब यहाँ पर जो है 1000 में 10 सैकड़े होते हैं, 10 सैकड़े को हमने यहाँ सैकड़े के खाने में लिख दिए, यहाँ पर हो गया 10 सैकड़े में से 7 सैकड़ा तफरीक करे, बचता है 3 सैकड़ा। इसी तरीके से 8000 में से 5000 तफरीक करते हैं, बचता है 3000। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जवाब आ गया 3324। इस तरीके से हमें हासिल वाली तफरीक का अमल करना होगा। आइए एक और मिसाल के जरिए हम चार हिंदसी अददों की हासिल वाली तफरीक का अमल सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी हूँ, 6325 तफरीक 758। देखिए बेटा, ये जो मिसाल लिखी हुई है ये आड़ी तरतीब में है, इसको मैं सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर इसको मैं खड़ी तरतीब में लिखूंगी। देखिए मैं इसे खड़ी तरतीब में किस तरह लिख रही हूँ। इकाई, दवाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले 6325 तफरीक 758। देखिए बेटा, ये मैंने मिसाल लिखी, यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, 5 इकाई में से 8 इकाई तफरीक करना है, लेकिन यहाँ पर 5 इकाई में से 8 इकाई तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, दहाई के खाने में से 1 दहाई उधार लेना होगा। यहाँ 2 दहाई में से 1 दहाई हमने उधार लिए, बचा 1। अब यहाँ पर 1 दहाई और 5 मिलकर कितना हो गया, 15। अब यहाँ पर 15 में से 8 इकाई गए तो कितने बचे बेटा, 7। कितने बचे, 7। अब यहाँ पर दहाई के खाने में 1 है और यहाँ पर उसमें से तफरीक करना है 5। अब 1 दहाई में से 5 तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हमको क्या करना होगा, सैकड़े के खाने में से 1 सैकड़ा उधार लेना होगा। यहाँ पे
तीन सैकड़े में से एक उधार लिए, यहाँ पे बचा दो सैकड़ा। एक सैकड़े में दस दहाई होती है, दस दहाई और एक हो गया ग्यारह दहाई। ग्यारह ग्यारह में से पांच गए, बचता है छह। अब यहाँ पर जो है दो सैकड़े में से सात सैकड़ा तफरीक नहीं होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, हजार के खाने में से एक हजार उधार लेना होगा। यहाँ पे बचते हैं पांच। अब एक हजार में दस सैकड़े होते हैं, एक सैकड़ा और दो हो गए बारह, बारह में से सात गए, बचता है पांच। यहाँ पर पांच हजार के खाने में पांच है, पांच हजार में से यहाँ पे सिफर है, सिफर का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी यहाँ पे हमको पांच के पूरे पांच लिखना होंगे। यहाँ पर हमारा जवाब आ जाता है पांच हजार पांच सौ सदुसठ।